नॉर्थ वेस्ट की तरफ हवा का रुख शिफ्ट करने का मतलब यह है कि जो हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर या उसके चारों तरफ जो पराली की घटनाएं हैं, अब उसका इम्पैक्ट दिल्ली पे ज्यादा बढ़ने की संभावना दिख रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से हमने डिपार्टमेंट्स को भी अलर्ट किया है कि जिस तरह से विंड स्पीड और डायरेक्शंस दोनों जो है वो चेंज हो रहे हैं, ऐसे में जो पराली का प्रभाव था धुएं का, वो आगामी 2-3 दिनों के अंदर और वो बढ़ सकता है। क्योंकि अब दिवाली भी नजदीक आ रही है, तो हमने डिपार्टमेंट्स को भी अलर्ट मोड में आज रखा है कि सभी लोग अपनी तैयारी रखें, और हो सकता है कि मौसम अगर और विपरीत होता है तो प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। साथ ही साथ आज मैं पुनः केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को तीसरी बार आज चिट्ठी लिखने जा रहा हूं कि प्लीज एक बैठक तो बुला लीजिए, क्योंकि अब जो स्थितियां दिख रही हैं वो स्थितियां जो हैं प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने की स्थितियां दिख रही हैं। ऐसे में इमरजेंसी सिचुएशन में कृत्रिम वर्षा का जो एक्सपेरिमेंट है, जो पायलट है, वो दिल्ली में करने की जरूरत है। हम सबने देखा है कि 14 अक्टूबर से पहले 3 महीने लगातार दिल्ली के अंदर एक UI का स्तर जो है वो बेहतर स्थिति में रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें मेजर कारण था कि बारिश लगातार होती रही। इसलिए मेरे केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से ये निवेदन है कि समय निकाल करके एक बैठक आप बुला लीजिए, जिससे कि सभी जो केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं उनके परमिशन को क्लियर किया जा सके। IIT कानपुर ने जो रिसर्च किया है उसका इमरजेंसी सिचुएशंस में उसका एक्सपेरिमेंट दिल्ली के अंदर किया जाए। दिल्ली सरकार की तरफ से हर प्रयास हम करने के लिए तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और हम आगे और भी जितना भी संभव है हम प्रयास करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मेरा निवेदन है, केंद्र सरकार से भी और राज्य की सरकारों से भी, कल हमने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के परिवहन मंत्री को भी पत्र लिखा कि प्लीज जो डीजल की गाड़ियां हैं, कम से कम जब तक पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है दिल्ली में, मौसम विपरीत है, तब तक आप न भेजें। मुझे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें दिल्ली के लोगों के सांसों पे जो संकट है उसमें राजनीति करने की जगह सहयोग करेंगी, और हम सब प्रयास करेंगे। दिल्ली के लोगों से भी मेरा निवेदन है कि चूंकि जो प्रदूषण का स्तर है, मौसम हमारे हाथ में नहीं है, मौसम आपके भी हाथ में नहीं है बदलना, लेकिन हम सबको धीरे धीरे अपने को तैयार करना पड़ेगा कि कैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, कैसे जो रेड लाइट पर अगर गाड़ी लेके हम निकल भी रहे हैं तो रेड लाइट पे अपना इंजन बंद रखें, जिससे कि बेवजह का जो है फ्यूल बर्निंग ना हो। कैसे अपने आसपास जो भी ऐसे लोग हैं, चाहे वो गार्ड हों चाहे नाइट ड्यूटी वाले लोग हों, उनको हम हीटर देकर के मदद करें, जिससे कि वो बायोमास बर्निंग ना करें। दिल्ली के अंदर कहीं भी इस तरह की तमाम हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी अगर ऐसा आपको लग रहा है कि वायलेशन जो हो रहा है, कोई भी नियमों का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, आप भी हमें ग्रीन दिल्ली ऐप जरूर आप अपने फोन में आप डाउनलोड कर लें, जिससे कि आप भी इस प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई है उसका हिस्सा बन सकें और ग्रीन दिल्ली ऐप पर हमें सूचना दे सकें। दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, प्रदूषण को घटाने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है, और हमारा प्रयास आपके साथ मिलकर के जारी रहेगा।